हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो कालखंड यानी समय को चार युगों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग माना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन सतयुग से शुरू होकर कलयुग के अंत तक खत्म हो जाता है और दोबारा एक कालखंड शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से इन चारों युगों में कैसे बदलाव होते हैं। लिंग पुराण के अनुसार कालखंड में सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग को हम सच्चाई का युग भी समझ सकते हैं। इस युग में ज्ञान, ध्यान और तप प्रधान होता है। इसी युग में मानसिक शांति होती है और इसे ही आदर्श युग माना जाता है, क्योंकि वेदों का ज्ञान हर मनुष्य के पास होता है। मनुष्य अपने गुरु, माता और पिता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता। इस युग में लोग लालच रोप नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं, अपनी इंद्रियों को बसाकर किसी का बुरा या पाप नहीं किया करते और मनुष्य अपने कर्मों को धर्म और नीति के अनुसार ही किया करते हैं। इस युग के किसी भी मनुष्य को कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वह ज्ञान की सहायता से अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है। पुराणों की माने तो सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट होती है और इसकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 1,00,000 तक होती है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ, लड़ाई या द्वेष जैसी भावना नहीं रखते। जिस तरह कालखंड चार युगों में विभाजित है, इसी प्रकार धर्मों के विचार स्तंभ हैं। ये स्तंभ कुछ इस प्रकार: पहला तप, दूसरा सच्चाई, तीसरा शुद्धि और चौथा है दया। जैसे ही युग बदलता है, एक एक करके स्तंभ कम होते जाते हैं। इसी के साथ सतयुग में पहला स्तंभ तप यानी घट जाता है और एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे दूसरा यानी त्रेता युग कहा जाता है और इसे रजत युग भी कहा जाता है यानी सिरवरी, यानी इसी गुण में ज्ञान बांटना शुरू हो जाता है। त्रेता युग में जीवन के नियम निर्धारित होने लगते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग की तरह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, जिससे उनका ध्यान, ज्ञान और भक्ति कम होने लगता है। इस युग में भौतिक संसाधन भी बढ़ने लगते हैं और यहीं से स्वार्थ की भावना पैदा होने लगती है। लोग लालच और लोगों से ईर्ष्या करने लगती है, जिससे मनुष्य राज और भौतिक संसाधनों के लिए युद्ध करने लगता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। इस युग में समाज वर्गों में विभाजित होने लगते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट होती है और आयु 10,000 वर्ष धर्म का एक स्तंभ यानी जो सतयुग के साथ ही कम हो जाता है। इसलिए त्रेता युग में लोग तप को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझते, जिसके कारण लोगों में मतभेद पैदा होने लगता है, पर फिर भी इस युग में सच्चाई और शुद्धि बनी रहती है। इसी युग में विष्णु भगवान के श्री राम अवतार को आदर्श पुरुष माना जाता है, क्योंकि वह धर्म के तीन स्तंभ यानी सच्चाई, शुद्धि और दया की मर्यादा बनाए हुए है। त्रेता युग के साथ धर्म का एक और स्तंभ कम होने लगता है यानी शुद्धि, जिसके बाद द्वापर युग की शुरुआत होती है। लिंग पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है और उसमें स्वार्थ बढ़ने लगता है, भौतिक संसाधनों को पाने के लिए धर्म करने लगता है और धर्म के मार्ग को त्याग देता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य काम, क्रोध और मोह जैसी अवगुणों से ग्रसित होने लगता है। इस युग में मनुष्य को कर्म से नहीं जन्म से जाना जाता है, यानी लोगों में भेदभाव उत्पन्न होने लगते हैं। जहां ब्राह्मण को वेद और शास्त्र का ज्ञान लेने की अनुमति होती है, वहीं दूसरी तरफ शूद्रों को वेद और शास्त्रों का ज्ञान लेना वर्जित होता है। समाज विभिन्न
जातियों में बढ़ जाता है। लोगों में मोह लालच इतना बढ़ जाता है कि उनको दूसरों के साथ अपने से भी ईर्ष्या होने लगती है। मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर पाता और स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति समझने लगता है, जिससे समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। द्वापर युग में ही महाभारत जैसे महायुद्ध भी हुए। इस युग में शक्ति को ज्ञान से बढ़कर समझा जाने लगता है, क्योंकि इसमें धर्म के दो स्तंभ यानी तप और शुद्धकम हो जाते हैं। इस युग में केवल सच्चाई ही बचा के रख पाती है। जैसे महाभारत में शुद्धि न होने के कारण आपसी बैर पैदा होने लगे, पर आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। इस युग में ज्ञान की कम हो जाने पर स्वयं भगवान अवतार लेते हैं मनुष्य को ज्ञान देने के लिए। जैसे श्री कृष्ण ने श्री भागवत गीता का ज्ञान दिया। पुराणों की माने तो इस युग में काल अवधि 8,64,000 वर्ष होती है और इसमें मनुष्य की लंबाई 11 फीट और आयु 1,000 वर्ष तक की होती है। यहीं से मनुष्य खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके शरीर में नई नई बीमारियां पैदा होने लगती है। लोग सुख सुविधा के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके बाद सच्चाई का भी अंत होने लगता है और शुरू होता है इस कालखंड का सबसे भयानक युग, जिसमें ना तो तप रहता है, ना शुद्ध और ना ही कोई सच्चाई रहती है। अगर सिर्फ रहता है तो एक स्तंभ, वो है केवल दया। कलयुग के मनुष्यों में काम, शरीर और द्वंद्व बढ़ने लगता है। वेद शास्त्र ज्ञान और धर्म का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। इस युग में लोग अधर्मी, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से भागने लगते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु किसी को भी नहीं छोड़ते। काम क्रोध के कारण हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। संतान अपने माता पिता को भी अकेला छोड़ देते हैं। जैसे जैसे युग बदलता है, मनुष्य प्रकृति से दूर होने लगता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का शरीर कई रोगों से घिर जाता है और आलस जैसे गुण बढ़ने लगते। कलयुग में मनुष्य अपने सुख सुविधा को लेकर भूतकाल और भविष्यकाल की सोचने लगता है, जिसके कारण वह क्रोध और चिंता में रहता है, जिसके साथ मनुष्य की आयु और लंबाई कम होने लगती है, यानी लंबाई 6 से 7 फीट और आयु 80 से 90 साल तक रह जाती है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। और हाँ श्रोताओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो कलयुग को श्रापित युग भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी इस युग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का कार्य सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का सिर्फ नाम मात्र लेने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ कलयुग में और भी भयंकर घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्य में इंसानियत भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विनाश होता है और फिर एक बार एक नए काल चक्र की शुरुआत होती है, जिसमें फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होती है। आपको ये युगों की कथा कैसी लगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। जब तक के लिए राधे राधे।